है दोस्तों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवटल व्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, फिट होगे, फाइन होगे, मजे में। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी हूं रायपुर से लगभग 20 किलोमीटर अंदर, देख सकते हो आप, मैं हूं अभी छछान पैरी गाँव में और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गणेश वाटिका के बाहर। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ अपने दोस्त से मिलने, जिसका यहाँ अंदर वर्क चलता है, वो मूर्तियों का काम करता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ की सबसे विशालकाय मूर्ति, भगवान शंकर भोलेनाथ की मूर्ति। तो चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ गणेश वाटिका कैसा है और आपको मूर्ति के दर्शन भी कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों व्लॉग मेरे बनी रहेगा, बहुत मजा आने वाला आगे। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं गणेश वाटिका अंदर से कैसा है। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे गार्ड भाई। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर, ये देखिए मूर्ति। और यहाँ पर हमारे दोस्त कमलेश खड़े हैं, देख सकते हो कमलेश कुमार साहू जी, इन्होंने मूर्ति बनाया है। और कमलेश भाई का हाल चाल है यार? अरे ही अरे भैया देख लो, ही बना है मूर्ति, लही है, बहुत खूबसूरत मूर्ति बना। और मुंडू सेठ भैया कैसे हो? अरे सब बढ़िया, का हाल चाल है? सब बढ़िया। और हमारे साथ हमारे कुछ और दोस्त भी आए, घूम रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये है हमारे गौतम भाई और ये हमारे जीवन भाई, हाय करो, हेलो। और एक हमारे कार्तिक भाई और वीडियो और बना रहे हैं। हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको मैं मूर्ति कैसे बनी है, चलो चलते हैं बढ़ते आगे। ये देखिए दोस्तों काफी सुंदर प्लेस है, बहुत ही अच्छा है, 200 एकड़ में बसा हुआ है। ये है गणेश वाटिका, चिंतामणि गणेश वाटिका। और देख सकते हो उधर घर वगैरह बने हुए हैं, अभी स्टार्टिंग है। और यहाँ पर शुरू में नंदी महाराज जी, ये देखिए, ये देख सकते हो दोस्तों नीचे स्ट्रक्चर बना है, लगभग ये 15 फीट है और ऊपर लगभग मूर्ति है आपका 40 फीट। तो टोटल यहाँ से ग्राउंड से समझ जाओ मूर्ति की ऊंचाई है लगभग 50 से 55 फीट, तो काफी हाइट बहुत ज्यादा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर है नंदी महाराज, देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे भाई लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं और जा रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए, अब हम भी आगे बढ़ेंगे और दिखाऊंगा आपको पास से मूर्ति कैसी बनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम चल रहे हैं सीढ़ी, देख सकते हो आप, और हमारे दोस्त लोग उस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, और दोस्तों ये है भगवान भोले शंकर की मूर्ति जो कि काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, लगभग 40 फीट के आसपास है जो काफी खूबसूरत है। यहाँ का काम लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है दोस्तों, और आज फाइनल काम था, लगभग पेंटिंग वगैरह हो चुका है। तो हम ऐसे घूमने आए थे तो मैंने सोचा आपके लिए दिखाने के लिए व्लॉग वगैरह बना लेता हूँ। ये देखिए, और बगल में बन रहा है मंदिर, देखो मंदिर का स्ट्रक्चर फाइनल स्टेज में काम। और यहाँ पर हमारे भाई साहब एक काम कर रहे, देख सकते हो प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं मंदिर को, ये देखिए। और देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत मूर्ति है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी मूर्ति है ये। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर है नागराज, और देख सकते हो हम लोग शंकर भगवान के ऊपर में चढ़े हुए हैं, देख सकते हो काफी बड़ी मूर्ति है, ये देखिए। और पीछे का लोकेशन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, देखिए 200 एकड़ में फैला हुआ है गणेश वाटिका। और यहाँ पर है कार्तिक, देख सकते हो नाग साहब के नीचे, और ये है कमलेश, और ऊपर में वो आ रहे हमारे पेंटर महोदय जीवन कुमार। और इधर खड़े हैं गौतम भाई, और इधर है मोंटू सेठ। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, दे हैं मोंटू। हाँ जी सर, कौन से? देख सकते हो दोस्तों यहाँ, और जो रुद्राक्ष बनी शंकर भगवान के, मैं एक चीज बहुत बढ़िया से दिख रही, देख सकते हो मूर्ति काफी खूबसूरत बनी है। और ये है त्रिशूल, देख सकते हो आप,
काफी लंबा है। और ये है नागराज जी, देख सकते हो यहाँ से पूरा गया हुआ है नागराज जी। देखिए देखिए गर्दन तक पूरा गया है। चलिए दोस्तों ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों क्या नजारा है, एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है देख सकते हो, देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। और दोस्तों यह है कार्तिक। तो दोस्तों देख सकते हो हम काफी ऊपर चढ़े हुए हैं, हम चढ़ तो गए हैं, समझ नहीं आ रहा उतरेंगे कैसे हालत खराब हो रही है हम लोग की, बहुत नीचे में है देख सकते हो आप। ये देखिए भगवान शंकर की मूर्ति है और ये है नाग देवता। अभी उसको सर जाने के लिए बचा, देखिए सर के पास अभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको वीडियो थोड़ा डर लग रहा है तो दोस्तों देख सकते हो हम काफी ऊपर चढ़ गए हैं, देख सकते हो शंकर भगवान की फेस दिख रहा है देख सकते हो आप, काफी खूबसूरत लग रहा है। और मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और पीछे है कार्तिक देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों डमरू और नाग देवता देख सकते हो आप। टू, ये देखिए दोस्तों टू सेवन दोस्तों आप देख सकते हो, काफी करीब से आपको दिखा रहा हूँ शंकर भगवान का फेस, ऊपर का फेस आंख काफी खूबसूरत बना हुआ है देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत आंख बना हुआ है, ये देखिए। और उस आंख को दिखाने के लिए दोस्तों मुझे उधर जाना पड़ेगा। और ये है ओंठ देख सकते हो, देखिए दोस्तों उधर है डमरू, इधर है त्रिशूल और यहाँ पर है कुंडल, ये त्रिशूल पकड़े पीछे केस है और उधर है त्रिशूल देख सकते हो दोस्तों। कैसे कैसे हम वीडियो बना रहे हैं, बांस लगी हुई है क्योंकि और ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है, तो बल्ली वगैरह लगा हुआ है आप तक ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हो मैं भगवान शंकर के फेस के जस्ट सामने में हूँ देख सकते हो, देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत मूर्ति है। इधर भी आंख देखिए, ये देखिए और इधर है हमारे कार्तिक भाई देख सकते हो, काफी मेहनत के बाद हम लोग ऊपर चढ़े हैं, डर भी लग रहा है बहुत देख सकते हो दोस्तों काफी खूबसूरत है फेस। दोस्तों देख सकते हो मैं काफी अभी ऊपर चढ़ चुका हूँ भगवान शंकर के जस्ट सामने में, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ देख सकते हो। और ये कार्तिक भाई भी है जो मेरे से एक ऊपर और कदम ऊपर चढ़े हुए हैं देख सकते हो, डर लग रहा है फिर भी क्या कर चढ़े हुए हैं, भगवान शंकर की जो मूर्ति की फोटो जो लेनी है। जय भोलेनाथ जय। ड्राइव लगने पे डर लगते ना, स्टीक ला पकड़े गए सपोर्ट कर और पूरा नहीं खोला, मैं अभी खुल लंबा नहीं, मत करो ज्यादा लंबा मत कर, दबाग बंद कर दे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग काफी ऊपर पहुंच चुके हैं, भगवान शंकर का फेस देख सकते हो आप पूरा ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये देखिए। और ये है गंगा मिया, बहुत ही मेहनत के बाद पहुंचे हैं देख सकते हो आप, थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन आप तक भगवान शंकर की मूर्ति का फेस अच्छे से पहुंचाना था देख सकते हो, इसलिए अपन ऊपर तक आए मेहनत करते हुए, काफी खूबसूरत मूर्ति बनी है हमारे कमलेश भाई के सौजन्य से देख सकते हो आप। ये देखिए डमरू देख सकते हो आप और उधर है त्रिशूल। तो दोस्तों देख सकते हो काफी खूबसूरत मूर्ति है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से देख सकते हो आंखें कितनी खूबसूरत बनी है भोलेनाथ की देख सकते हो। कमलेश ये देखिए, गौतम ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। अब चलिए ऊपर दिखाता हूँ आपको गंगा मैया की तस्वीर, ये देखो दोस्तों गंगा मैया बना हुआ ऊपर काफी खूबसूरत है देख सकते हो आप, जटा में गंगा मैया देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत मूर्ति है।
देख सकते हो भोलेनाथ काफी खूबसूरत है। और इधर हमारे कमलेश भाई पहुंच रहे हैं, देख सकते हो काफी मेहनत के बाद, उनका आदत इसलिए जल्दी चढ़ गए, हमारे तो शक्ति नहीं होती इतने ऊपर चढ़ने की। और वही हमारे मेंट लगाए हैं, देख सकते हो आप, यही है मूर्ति बनाने वाले हमारे मूर्ति कलाकार, जो काफी 20 साल से ऊपर हो गया मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं। हमारे गुरु भी है, हम लोगों ने भी थोड़ा मूर्तियों का काम किया था। और एक और हमारे गौतम भाई आ गए, देख सकते हो बंदर की तरह सटासट चढ़ गए ऊपर, हम तो नहीं चढ़ पा रहे थे, ये चढ़ गए। देख सकते दोस्तों यहाँ त्रिशूल है, 1 2 2 2 2 7 देख सकते हैं, 12 22 27 देखो। और ये मोन्टू भाई हमारे नीचे से फोटो खींच रहे हैं हम लोग का, देख सकते हो 3-4 का निकाल रहे नहीं लेने हमें, खींच के काकर है क्या ठीक मोर है, खींच के भेज दू सब। देखिए दोस्तों क्या व्यू है, जबरदस्त। देख सकते हो क्या व्यू है दोस्तों ऊपर का, चारों तरफ देख सकते हो 200 एकड़ फैला है दोस्तों ये गणेश वाटिका, देख सकते हो। अगर आपको प्लाट वगैरह लेना है तो आप आके ले सकते हो भविष्य के लिए, वीडियो आप और आपकी फैमिली के लिए, देख सकते हो दोस्तों ऊपर चले चले बंदर बन के पूरा आवाज है पूरा। ये हमारे मोन्टू दोस्त है, देख सकते हो ये देखिए, घर में आ रहा है वो। और हमारे मोन्टू दोस्तों ऐसे चढ़ गए, जानो मानो बंदर हैं, यहाँ चढ़ चढ़ के आदत हो गई है, इतने फास्ट चढ़े हैं। नाश्ता पानी और देख सकते हो ऊपर में भी मोन्टू है, डर लग रहा है थोड़ा सा, लोग आदत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग यहाँ ऊपर फेस के जस्ट नीचे में है, देख लीजिए ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हो आप, और ये बैठे हैं गले में हम लोग हैं, सांप से लपेटा हुआ, और कार्तिक सांप के ऊपर बैठा हुआ है दोस्तों। ऐसे ही नाम कार्तिक है, सांप को इसी बस में कर लेता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं नीचे उतर चुका हूँ और हमारे दोस्त भी नीचे उतर चुके हैं, और कार्तिक देखे धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे तो नीचे से देखो तो ऊंचाई ज्यादा ऊपर लगती नहीं है, चढ़ो तब समझ आता है कितना हाइट है करके, बहुत डर लगता है। ये देखिए हमारे बाकी दोस्त लोग भी, और कुछ पेंटिंग का काम बचा है तो कर रहे हैं थोड़ा सा, हाथ वगैरह में ओम वगैरह लिख रहे हैं, देख सकते हैं। हमारे स्पेशल कारीगर आए हैं मिस्टर जीवन कुमार, तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग आ गए हैं नीचे, और यहाँ पर काम हो चुका है फाइनल, और देख सकते हो यहाँ पर कुछ पेंटिंग हो रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय हमारे जीवन भाई, और यहाँ पर हाथ में इन्होंने ओम बनाया है, देख सकते हो आप, ये देखिए ओम, और अभी लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ओम नमः, अब लिखा है शिवाय, बहुत ज्यादा ही दूर है, दूर है तो दोस्तों ये हमारा लिखा गया ओम नमः शिवाय, देख सकते हो। ये देखिए ओम नमः शिवाय, तो दोस्तों काम हो चुका है पूरा खत्म, देख सकते हो यहाँ लिखा गया ओम नमः शिवाय, और ये बोरिया बिस्तर बंद कर रहा है, मोन्टू कलर वाला रख रहा है, देखिए। और हम चलते हैं नीचे, इधर चलेंगे सीढ़ी से, देख सकते हो नीचे जा रहे हैं अपन सीढ़ी से दोस्तों, शाम हो गया अंधेरा हो गया, देख सकते हो देखिए, ये देखिए दोस्तों
और यहाँ पर है नंदी महाराज, देख सकते हो आप। ये देखिए, देख लीजिए, काफी खूबसूरत है। देखिए, देख सकते हो आप, काफी खूबसूरत है नंदी महाराज। और ये ऊपर में है हमारे दोस्त लोग और भगवान भोले शंकर। देखिए दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में कुछ घर बने हुए हैं। और ये नीचे में है दोस्तों मंदिर, नीचे में यहाँ पर मंदिर बनेगा, आप देख सकते हो। यहाँ भी मूर्तियां विराजमान होगी, देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर। तो कैसे लगा दोस्तों आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।